दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक आशिक ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की, उसके बाद उसके टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये खबर इसलिए नहीं दिखाएगी क्योंकि इसमें उसको TRP नहीं मिलेगी। जो कातिल है उसका नाम उर्दू नहीं है, इसके पीछे लव जिहाद का एंगल नहीं है और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कातिल ने चाहे जितनी बेरहमी से हत्या की हो उसका नाम उर्दू नहीं है। वहाँ पर एक रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर राजनीति नहीं हो सकती। शायद इस वजह से इस खबर को आपके सामने थोड़ा बहुत दिखा के साइड कर दिया जाएगा, इस पर ठीक तरीके से डिबेट नहीं होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर प्राइम टाइम का शो नहीं बनाएगी, इस पर प्राइम न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, शाम के वक्त पर डिबेट देखने को नहीं मिलेगी, राजनीतिक पार्टियां उस चैनलों पे इकट्ठा नहीं होंगी, क्योंकि इस पे उर्दू नाम नहीं है। हमारे देश के अंदर महिला सुरक्षा पूरी तरीके से खोखलापन दिखाई देता है इस तस्वीर को देखने के बाद, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे ठीक तरीके से खबर नहीं दिखा रही। अगर बात की जाए बड़े चेहरों की, जो कि बड़े न्यूज़ एंकर हैं जिनको पूरा देश जानता है, वो भी इस मुद्दे पे ठीक तरीके से बात नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट किसको करेंगे? टारगेट क्या उस सरकार को करेंगे जिसके लिए वो काम कर रहे हैं? अगर बात की जाएगी कपिल मिश्रा की, तो वो भी इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही दोस्तों साफ कर दिया है कि वो तभी बात करेंगे जब लव जिहाद का एंगल होगा, जब कातिल का नाम उर्दू होगा। मनोज को लेकर कहाँ बात हो सकती है? दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, एक इंटरव्यू में कपिल मिश्रा ये साफ करते हुए दिखाई दिए कि मैं लव जिहाद के मुद्दों पर ही ध्यान देता हूँ और उन्हीं को लेकर मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ, मैं उन्हीं को लेकर स्पीच देता हूँ। यानी कि ये साफ है, बाकी जितने भी महिलाओं के साथ गलत होगा उन्हें लेकर कपिल मिश्रा बात नहीं करेंगे। आपके सामने वीडियो पेश कर देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो भी है। वहाँ पे आप क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हत्यारा जो है मुसलमान नहीं था, इस वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक मिशन लेके काम कर सकता है। आप एक मिशन लेके काम कर रहे हो कि पत्रकारिता के माध्यम से सवाल उठाओगे। मेरा खाली एकमात्र मिशन है कि जिहाद से धर्म के कारण होने वाले हिंसा और शोषण से पीड़ित हिंदू परिवारों के साथ खड़े होने की कोशिश करना। सबके साथ मैं अभी भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कातिल का नाम मनोज था और जिसकी हत्या हुई उसका नाम सरस्वती था। साथ ही साथ उस महिला की उम्र 36 साल बताई जा रही है। इस वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पे बोलना नहीं चाहेगी, दोनों एक ही रिलीजन से आ रहे थे, तो यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर बात नहीं होगी। यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी स्पीच देते हुए नहीं दिखाई देगी, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक तरीके से कवर करेगी। दरअसल बताया जा रहा है दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जहाँ पे आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं पुलिस महिला के टुकड़े ले जाते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो मनोज ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है हत्या करने के बाद मार्केट से आरी खरीद के लाया, आरी खरीदने के बाद उस सब के टुकड़े किए और बदबू ना आए, जैसा कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, बदबू ना आए इस वजह से उन टुकड़ों को उबाल दिया। हालांकि पड़ोसियों को स्मेल आ रही थी, उन्हें बदबू आ रही थी, इस वजह से उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की उस फ्लैट के अंदर जहां से स्मेल आ रही थी। मनोज के फ्लैट की मैं बात कर रहा हूं, जिसके बाद पुलिस ने पाया कि वहां पर उस फ्लैट के अंदर महिला के शव के टुकड़े बरामद हुए। वो महिला जो उस इंसान के साथ, मनोज के साथ लिव इन में रह रही थी, कई सालों से रह रही थी। ये खबर है, सोचिएगा किस तरीके का उस इंसान का माइंड होगा जिसने जिस लड़की के साथ वो रह रहा था उसकी इस तरीके से हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उसको उबाल भी दिया। क्या ये नॉर्मल हत्या है जिसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक तरीके से आपको खबर तक नहीं दिखा रही? पहले देखने को मिला जब उर्दू नाम होता था तो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया एक्टिव हो गई, जंगल में जाते हुए दिखाई दी, CBI की तरफ से मीडिया काम करते हुए दिखाई दी। बहुत ही अच्छी बात थी, ऐसे ही काम होना चाहिए था। इस केस में भी मीडिया को इतना ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि महिला किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी जगह की हो, कैसी भी हो, महिला महिला है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर एक इंसान को समान तरीके से देखा जाएगा। अगर इस महिला का कत्ल हुआ है तो इसे भी उसी तरीके से दिखाना चाहिए जैसा कि बाकी केसेस में दिखाया गया है। उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मीडिया दोस्तों काम कर सकती है, तो इस महिला को भी इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया को काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ TRP के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया जिसने इस मुद्दे को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ भी कहा हो, कुछ भी ट्वीट किया हो। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप इस हत्या को किस तरीके से देखते हैं। लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, मीरा रोड बताया जा रहा है, मुंबई की घटना है, गीता आकाशदीप सोसाइटी का मामला है, जहाँ पे 56 ईयर्स के मनोज ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए और साथ ही साथ उसे उबाल दिया प्रेशर कुकर में।
राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, और साथ ही साथ क्या सच में हम जो महिला सुरक्षा को लेकर बातें करते हैं वो सिर्फ एक खोखलापन है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया तभी बात करेगी जब उर्दू नाम होगा कातिल का और साथ ही साथ उसके पीछे लव जिहाद का एंगल होगा, एक रिलीजन को टारगेट किया जा सके। ऐसे मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बात की जाए सही तरीके से, मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार, सही तरीके से खबर नहीं दिखा रही। खबर तो दिखाया जा रहा है, वेबसाइट में जगह दी गई है, सोशल मीडिया पे भी जगह दी गई है, लेकिन बड़े चेहरे मीडिया के इस पे डिबेट कब करेंगे, इस पे बात कब होगी, क्या ये महिला महिला नहीं है, क्या इसे लेकर इंसाफ की बात नहीं की जाएगी? सोचिएगा, समझिएगा, फिर अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना न भूलें, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि मैं आपके बीच में कोशिश करता हूँ ऐसी खबरें लाऊं जहां पर रिलीजन को टारगेट ना किया जा रहा हो, जहां पे सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछा जा रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है उसे आपके सामने उजागर कर सकूं। तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।